नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आ रहे हैं। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से, जिस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, आर्य न्यूज की खबर का असर हुआ है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आर्य न्यूज की टीम ने खबर को प्रकाशित किया, जिसके बाद इस खबर को चलाने का बड़ा असर देखने को मिला। जहां पर देवस्थानन को लेकर धरने पर बैठे थे बुजुर्ग, और वहीं बुजुर्ग धरना पर बैठे हुए थे, जिसके बाद अब वो भूख हड़ताल को आर्य न्यूज ने समाप्त कराया। और लगातार दो दिन से धरने पर बैठे हुए थे बुजुर्ग, और वहीं प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और पानी पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म करवाया गया। और वहीं अधिकारी रविश कुमार ने जल्द ही कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। और वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला पुरुष आश्वासन से संतुष्ट भी नजर आए, जिसके बाद अब बुजुर्गों महिलाओं ने अपनी भूख हड़ताल और धरना छोड़ दिया, जिस प्रशासन की तरफ से जब कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आज वो तहसील से भी टीम आई थी और थाने से भी आए थे लोग, तो उन्होंने समस्या पूछी तो हमने बताया कि एक तो इन्होंने सरकारी जमीन को नाजायज तरीके से घेर रखा है, तो उन्होंने कही ठीक है इसको हम 22 तारीख तक इसको सब बरी करा देंगे। और दूसरी हमारे पारिवारिक जो समस्या है जमीनी बंटवारे की, खुरा बंटवारे की और देवस्थान की, उसको भी हम खत्म करवाए। हाँ, यही हम चाह रहे थे और उस बात से हम संतुष्ट है। और अगर 22-23 तारीख को नहीं हो पाती है तो फिर उन्होंने कि ये तो रास्ता आपकी खुली हुई है, अगर मान लो वैसे हम पूरी 99% कोशिश करेंगे सुलझाने की, बाई चांस नहीं सुलझ पाई तो इस रास्ते को फिर भी अपना लेना और ऐसा करो अब धरना खत्म कर दो, नहीं मनाओ मना। मोहम्मद क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त हुई थी, ग्राम पंचायत में कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर कुछ लोग धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की जानकारी नहीं थी, वो दोपहर के लगभग हमें पता चला था। उसके बाद आकर के हमने श्री सुरेंद्र सिंह जी से संपर्क किया है, उनकी बातों को सुना है, तो ये कहतमाली कृषि है और इनका बंटवारे का चल रहा है, तो उसमें पत्रावली SDM महोदया के यहाँ लंबित है, तो उसमें इनको आश्वासन दिया गया है कि 22 तारीख को जो हमने राजस्व टीम गठित की है कि इनका जो पारिवारिक मैटर है, जो खेती संबंधी जो विवाद है, उसको नापतोल करके इनके प्रत्येक को बता दिया जाए कि आपका ये है आपका ये है, तो उसके आधार पर बाबा सहमत हुए हैं और इन्होंने अपना जो भू हड़ताल या धरना जो था उसको समाप्त किया है। पहले पूर्व में हमारे दरोगा जी जो थाना सिकंदरा से आए हैं, उन्होंने बताया है कि उस पर एक समझौता इनमें हुआ था जी। लेकिन वहीं यूपी में एक बार फिर बम्पर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है, और इसके बाद अब शपथ ग्रहण का इंतजार भी किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि 21 मार्च को दोपहर 3 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं मंत्रियों की लिस्ट पर अभी मंथन जारी है, और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने बुधवार की शाम राज्य में सरकार गठन पर चर्चा की। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में 4 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली और नई सरकार के गठन, नए मंत्रियों और आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, राज्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, और यूपी इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के प्रदेश महासचिव सुनील बंसल मौजूद थे। और वहीं योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सहारे बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की भी साधने की कवायद कर रही, इसलिए बीजेपी आलाकमान और यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेता लगातार बैठक करें, और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती है जिनके जरिए तमाम मतदाताओं को साधा जा सके और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। और वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स सुर्खियों में छाई हुई है। और वहीं विपक्ष इस फिल्म को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। और वहीं द कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने खुद सवाल पूछकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की।
और उन्होंने पूछा क्या लखीमपुर फाइल्स भी बनेगी। अखिलेश ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया तो इस पर फिल्म क्यों नहीं बन सकती। और वहीं अखिलेश यादव ने ये बातें सीतापुर के महमूदाबाद में कही और यहां उन्होंने कहा कि लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है और कई राज्यों ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में टैक्स फ्री भी कर दिया और अब नीतीश कुमार सरकार ने भी फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री कर दिया और फिल्म बिना प्रमोशन के ही जबरदस्त कारोबार करे। और सबसे पहले उत्तराखंड और यूपी की सरकारों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया था। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही और कभी उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत राजनीतिक दल रही बहुजन समाज पार्टी का इस बार के चुनावों में बुरा हाल हो गया और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट पर बसपा को जीत मिली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आगरा का दलितों का गढ़ कहा जाता है वहां पर भी उसका खाता नहीं खुल पाया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी दलितों के बीच एक बड़ा विकल्प बनकर उभरी है और बीएसपी की इस हार का सबसे बड़ा कारण उसका जनता के मुद्दों से अलग हो जाना रहा। और यही नहीं, दलितों के मुद्दे पर भी पार्टी पदाधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं बीएसपी की स्थापना के समय से आगरा दलितों से जुड़े आंदोलनों का एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा और यही वजह है कि प्रदेश के अन्य इलाकों की तुलना में आगरा में दलित तुलनात्मक तौर पर ज्यादा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर संपन्न है। और आगरा में 1989 विधानसभा चुनाव से बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के बीच पैठ बनाना शुरू किया और धीरे धीरे बीएसपी के लिए आगरा का दलित वर्ग पुख्ता वोट बैंक बन गया। और नतीजा ये रहा कि साल 2007 और 2012 विधानसभा चुनाव बीएसपी का हाथी जिले में खूब दौड़ा और दोनों चुनावों में से बीएसपी ने 9 में से 6 सीटें जीती और साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की तस्वीर बदलने लगी और मोदी का करिश्माई नेतृत्व हाथी की मस्त चाल पर भारी पड़ने लगा। और वही साल 2017 आते आते सपा सरकार की कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रही बीजेपी इसे हथियार बनाकर सड़कों पर उतरने लगी। लेकिन वहीं बीएसपी पूरी तरह निष्क्रिय ही बनी रही और ऐसे में एक तरफ दलितों को सुरक्षा और केंद्र के सामाजिक योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय, उज्ज्वल योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए गए, जिसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बीएसपी के दलित वोट बैंक में बीजेपी बड़े स्तर पर से सेंध लगाने में कामयाब हुई। और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की। यूपी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली प्रदेश की दूसरे सबसे बड़ी पार्टी सपा की ओर से एक खबर सामने आई और पार्टी को मिले चंदे की रिपोर्ट को लेकर यह जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी को 50 लाख रुपए से अधिक का चंदा मिला है। और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को वित्तीय रिपोर्ट भी सौंपी और अपनी रिपोर्ट में 50,44,000 रुपए का चंदा दिखाया। और अपनी रिपोर्ट में पार्टी ने कहा कि उसे 50,44,101 रुपए का चंदा मिला है। और पार्टी ने निर्वाचन आयोग को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि, और पार्टी ने यह भी बताया कि उसमें कितने लोगों ने चंदा दिया। और पार्टी ने कहा कि उसे व्यक्तियों और निकायों से ये चंदा मिला। और इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से आयोग ये रिपोर्ट 11 मार्च को सौंपी गई थी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी है और यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कुल 403 सीटों में से एक सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली और उसका वोट शेयर बढ़कर 36% पर पहुंच गया और इसमें 32% से अधिक वोट सपा को मिले। वहीं बीजेपी का वोट शेयर साल 2017 के मुकाबले 2% बढ़कर 41.29% पर पहुंच गया। वहीं खबर अब बहराइच से है जहां पर बहराइच के विधानसभा नानपारा से बीजेपी और अपना दल के गठबंधन से विधानसभा नानपारा के विधायक राम निवास वर्मा पर अज्ञात हमलावरों ने मटेरा के पास उनकी गाड़ी पर पत्थर से हमला कर दिया
और हमले में विधायक की गाड़ी का शीशा टूट गया और हालांकि जैसे तैसे ड्राइवर गाड़ी भगाकर वहां से विधायक को बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद विधायक रामनिवास वर्मा द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर दी गई और तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। और इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि विधायक जी पर हुए हमले की सूचना प्राप्त हुई और मामले में टीमें गठित कर दी गई और जल्द ही इस मामले का सुलझा लिया जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। माननीय विधायक नानपारा से बहराई चाह रहे थे कि मटरा चौराहे के पास जो मोटरसाइकिल का शोरूम उससे आगे चरसंडा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर किसी ने माननीय विधायक जी की गाड़ी पर पत्थर मार दिया, जिससे माननीय विधायक जी की गाड़ी का साइड बैक मिरर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में किसी को कोई चोट या वहीं बहराइच में प्रेमी और उसके घर वालों के विवाह से मुकर जाने पर युवती पिता संग थाने पहुंच गई और वहीं उससे शादी की जिद पर अड़ गए और इस पर एसओ परमानंद तिवारी ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में थाने में ही प्रेमी युगल का निकाह कर दिया। और बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र के मोहई घासीपुर की रहने वाली युवती रुखसाना का चांद बाबू से एक साल पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वहीं युवती उस समय शादी के चलते बहन के घर रह रही थी और इसी बीच दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोनों इतने करीब हो गए कि दोनों ने साथ रहने की कसमें खा ली और बाद शादी तक जा पहुंचे। और इस बीच युवती के परिजनों को जब प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो वो युवती को अपने घर ले आए, लेकिन दोनों का प्यार कायम रहा और दोनों की लगातार फोन पर बात होती रही। और कुछ समय पहले युवती ने मोहब्बत का हवाला देकर युवक से शादी का प्रस्ताव भी रखा, जिसे युवक ने ठुकरा दिया और मोहब्बत के ठुकराने पर युवती नाराज हुई और मायूस हो गई। वहीं परिजनों को हुक्का पानी जैसे लोकलाज का भेद सताने लगा और शुक्रवार थाने पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी गई, जिसके बाद उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप भी लगाया गया और एसओ ने युवती को भरोसा दिलाया कि उसकी शादी उसी युवक से होगी जिसे वो चाहती है। और वहीं इस वक्त एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की रायबरेली से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बड़ा हादसा टला है। और वहीं आपको बता दें कि अनियंत्रित तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक पलट गया है और ट्रक मिर्जापुर से भूसी लेकर लखनऊ की ओर जा रहा था और वहीं तेज रफ्तार लोडेड ट्रक पलटने से वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं घटना बदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास की बताई गई है, जहां पर एक अनियंत्रण ट्रक भरा हुआ था जो पलट गया, जिससे बड़ा हादसा होने से भी टल गया और वहीं पर अब राहत का काम जारी है और वहीं से ट्रक हटाने का काम भी अब जारी है। अब वहीं एटा में लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा एक क्राइम कंट्रोल टीम का गठन किया गया, जिससे बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम कसी जा सके और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि जनपद में पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और एक ओर जहां लगातार अज्ञात शवों का मिलना जारी है तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के भ्रूण भी दो बार मिल चुके हैं और वहीं लगातार कई संगीन अपराध जनपद में सामने आए और ऐसे में जनपद के मुख्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा क्राइम कंट्रोल की टीम का गठन किया गया और इस टीम की कमान क्षेत्र अधिकारी नगर, जिनका हाल ही में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ और ऐसे तेज तर्रार अधिकारी कालू सिंह को सौंपी गई है। कोतवाली में बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए 2 सब इंस्पेक्टर और 5 इस कार्य में महारत हासिल कॉन्स्टेबल्स की टीम बनाई गई है जो क्राइम को कंट्रोल करेगी। यूजुअल वे में जो हमारा थाने पर फोर्स लगा हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर और विवेचना में इतना व्यस्त रहता है कि वो क्राइम कंट्रोल पर ध्यान नहीं देता, इसी कारण हमने ये कहा। और वहीं इस वक्त एक फतेहपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ये फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री हो रही है और वहीं रोकथाम का चलाया जा रहा है। और वहीं अभियान जहानाबाद पुलिस और आबकारी टीम ने की संयुक्त छापेमारी और छापेमारी के दौरान 160 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है और शराब बनाने के उपकरण भी किए गए हैं बरामद। वहीं आबकारी टीम और पुलिस ने मौके पर लगभग 8 क्विंटल लहन को नष्ट किया है और छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां पर पुलिस अवैध शराब को बिक्री में रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और वहीं 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहीं मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं जहानाबाद थाना क्षेत्र के नौनारा मजेरे कंजर नडेरा का ये मामला बताया गया। वहीं होली का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें लोग तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं और होली के त्यौहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और कल होली का त्यौहार है और वहीं तैयारियों को देखते हुए बाजार में होली के त्यौहार पर इस बार क्या कुछ नया मार्केट में आया और लोगों में इस बार होली पर कैसा उत्साह देखने को मिला, जिसकी पड़ताल करने हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने की लोगों से की खास बातचीत। देखिए आप भी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वो होली बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से, यहाँ देखिए होली रंगों का त्योहार है। यहाँ रंगों के अगर हम बात करें तो कई रंग ऐसे होते हैं जो होली में प्रयोग किए जाते हैं, गुलाल है और काफी तरह तरह के जो रंग होते हैं लोग उसका होली जैसे पर्व में इस्तेमाल करते हैं। और होली एक ऐसा त्योहार है, लोग अपने पुरानी कोई जो भी अपना मन में कोई द्वेष हो कुछ हो उसको छोड़ के उसको खत्म कर देते हैं और होली के दिन सभी एक हो जाते हैं और मन में वो सब आप होते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ कस्टमर मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। सर नाम बता दीजिए अपना। सचिन सक्सेना। सचिन जी ये बताइए, इस बार होली, पिछली बार होली के बाद से ही कोरोना लग गया था, इस बार होली है क्या, कैसा मानते हैं, किस तरह इस बार होली का एंजॉय करेंगे, कैसे मनाएंगे? फ्री होके मनाएंगे, इस बार तो बिल्कुल फ्री है, पहले जिस तरीके का डर था सब कुछ साफ, तो बिल्कुल फ्री होके मार्केट भी खुल गया है, एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। इस बार क्या क्या खरीदा है आपने होली के लिए? खरीदा तो मेरी वाइफ ने, जो एक और जो रह गया था तो मैं ले जा रहा हूँ। अभी आपने क्या खरीदा है? अभी मैंने जो गुलाल खरीदा है और एक बच्चे के लिए लिया है। अच्छा लग रहा है इस बार? जी बिल्कुल 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 फ्री है इस बार। देखिए मेरे साथ यहाँ कस्टमर मौजूद थे, इन्होंने बताया होली के बाद से ही कोरोना लग गया था, इस वजह से लोग काफी परेशान भी थे, लेकिन इस बार कोरोना का इनको कोई डर नहीं है, इनको भय नहीं है और बड़ा ही ये फ्री होके फ्री माइंड से ये होली मनाएंगे और होली को एंजॉय करेंगे। मेरे साथ यहाँ जो दुकान मालिक हैं, जो दुकानदार हैं वो मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पंकज शर्मा। पंकज शर्मा इस बार ये बताइए कि होली पर, ये होली का जो त्योहार है रंगों का, इस बार कुछ क्या नया क्या है आपकी दुकान पर? बहुत सारे आइटम है, नए स्मोक बॉम्ब आते हैं, स्मोक बॉम्ब है, पार्टी पॉपर आते हैं जी, इस टाइप के जो नए आइटम आए हुए सारे, ये गुलाल वाले पार्टी पॉपर्स हैं, एक चीज अपने पास आई हुई है ये मैजिक बॉम्ब है, मैं एक टाइप का होता है, ये सीटी बजती है इसमें और एक कलर निकलता है इसमें, काफी सारे आइटम है, ये आता है बलून वाला, ये चीज आई हुई है नई, ये सब नए आए जी जी। इससे जिस तरह ये नए नए आइटम है जैसे बॉम्ब बताया है, ये बलून का आइटम है, इससे जिस तरह बच्चों को कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, सारे इंडियन माल है, कोई चाइना का नहीं है, कोई चाइना का नहीं है सर, सब कुछ इंडियन ही, इंडियन है इसमें, ज्यादातर इंडियन ही है, 80% इंडियन है इसमें। ये बताइए चाइना से इतना डर क्यों है, क्या क्या पता नहीं, हमें तो मालूम, कस्टमर नहीं लेते चाइना का माल, इंडियन माल है, कॉस्टली भी पड़ा हुआ है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंडियन कॉस्टली भले ही पड़े लेकिन कस्टमर पसंद करता है। मेरे साथ तो देखिए यहाँ दुकानदार मौजूद है, मेरे साथ तो देखिए यहाँ दुकानदार मौजूद थे और इन्होंने बताया। मेरे साथ एक और ये महिला मौजूद है जो यहाँ दुकान पर है, ये कस्टमर है, ये कुछ बच्चे के लिए मेरे ख्याल से पिचकारी वगैरह कुछ खरीदने आए। मैडम नाम सीमा। सीमा जी ये बताइए, सीमा इधर देखिए, ये बताइए सीमा जी कि इस बार होली को कैसे एंजॉय करेंगे, क्या आज क्या खरीदने आए हैं? पिचकारी लेने आए बच्चों के लिए। ये बताइए कि तो क्या क्या आज खरीद लिया? अभी तो कुछ नहीं खरीदा, बस घर से निकले हुए। हाँ
तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ लोगों का साफ तौर से कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार होली बड़ा ही हम फ्री माइंड हो गए और बहुत अच्छे से मनाएंगे और लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। और यहाँ हम अब दूसरी दुकान पर आ चुके हैं और यहाँ यहाँ भी काफी कस्टमर्स हैं और काफी यहाँ सामान भी है, इस तरह के तरह तरह की जो चीजें हैं लोग इनको खरीदारी कर रहे हैं, इनका जो तरह तरह की चीजें हैं दुकानदार। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि देखिए इस तरह देखिए कि किस तरह के यहाँ काफी डिजाइनर बाल हैं, देखिए कलरफुल बाल हैं, तरह तरह की डिजाइनें हैं जो लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोगों को जो मन लुभाने वाली जो चीजें हैं। कहते हैं होली रंगों का त्योहार है, इसी तरह यहाँ बाल है वो कलरफुल है। यहाँ मेरे साथ कुछ काफी लोग हैं यहाँ मौजूद और देखिए कस्टमर भी मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ आज ये लोग होली का जो त्योहार है इसको सामान को लेने आए हैं और मैं बात कर लेती हूँ। सर नाम बता दीजिए। अनिल जायसवाल। अनिल जी ये बताइए कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार होली कैसा है? होली हरदम एंजॉयमेंट के लिए होती है, इस बार हर साल बेहतर होती, कुछ और अच्छी हो। इस बार लगता है कि इस बार और अच्छी होगी। क्यों नहीं होगी, बराबर होगी, क्यों नहीं होगी, होना भी चाहिए। इस बार क्या क्या आपने खरीदा है, कुछ नया है? एक्चुअली बच्चों ने ज्यादा लिया, हम बच्चों के रंग में हम भी हो जाते समलेस। हमने अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदा लेकिन बच्चों में ही हम समलेस हो गए। बच्चों ने कुछ ज्यादा खरीदा इस बार? नहीं क्यों नहीं खरीदेंगे, बराबर खरीदेंगे, लिस्ट बना के आए तो अपनी। बिल्कुल मैं बच्चों से भी बात कर लेती हूँ। हाँ आइए बात कर लेते हैं। बेटा नाम बता दीजिए भैया। अंबुज। अंबुज क्या बढ़िया नाम है आपका। ये बताइए अंबुज जी कि आपने इस बार क्या क्या लिस्ट बना के आई, क्या क्या खरीदा है? मैंने इस बार गुलाल लिया, स्प्रे लिया, पक्के रंग भी लिए हैं। हर बार खेलते हैं क्या? हर बार नहीं, ज्यादातर नहीं, पक्के रंग से खेलते हैं। क्या क्या खरीदा है आपने यहाँ? गुलाल खरीदे हैं जी। अच्छा अच्छा तो इन सारे इतने सारे सामान खरीदे हैं, इस बार काफी एंजॉय करेंगे आप? हाँ जी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ इस बार कोरोना थोड़ा कम है। कोरोना कम है इसी वजह से लग रहा है आपको कि कुछ ज्यादा एंजॉय हो? हाँ हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ एक बच्चा मौजूद था, उसने साफ तौर पर बताया कि देखिए किस तरह लोग जो पिछली बार कोरोना की वजह से थोड़ा कम एंजॉय कर पाए थे, थोड़ा डर का माहौल था, दहशत का माहौल था कि कहीं उन्हें डर था कि कहीं कोरोना ना हो जाए। देखिए एक और यहाँ कुछ सामान है, यहाँ एक बेटी मौजूद है और देखिए कैप को पसंद कर रही है, ये कुछ अलग है, मैं देखती हूँ बात कर लेती हूँ मैं इनसे। नाम बता दीजिए। अंशिका। अंशिका अंशिका जी ये बताइए ये आप इस तरह की कैप क्यों पसंद कर रहे हैं? अच्छी लग रही है। अच्छी लगती है इसी बार ले रहे हैं कि हर बार? हर बार लेते हैं, हर बार इसी को पसंद करते हैं। इस बार क्या और क्या क्या लिया? बहुत सारी चीजें लिया है, गुलाल लिया है, कलर लिया है, बहुत सारी चीजें, गुलाल कलर सारी चीजें। बिल्कुल यहाँ देखिए साफ तौर से यहाँ बच्चों का बच्चों में भी बड़ा उत्साह है और उससे देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार जैसा कि अभी बच्चे ने बताया कि पिछली बार कोरोना काल था, इस वजह से डर का माहौल था और डर था दहशत सी इन लोगों के मन में और इन्होंने थोड़ा उस कोरोना के डर की वजह से थोड़ा कम एंजॉय किया, इस बार हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। शिवम। शिवम जी ये बताइए कि इस बार आपके शॉप पे नया क्या आया है? इस बार हमारी शॉप पे आप लोग अगर मार्केट में देखेंगे तो रंग गुलाल हर कोई रखता है। हम लोग सोचते हैं कि डिफरेंट आइटम, बच्चों का आइटम, क्योंकि होली बच्चों का त्योहार होता है, बड़े तो अपने बैठ जाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए मास्क बाल, जो एक हमारा कल्चर था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। दो साल से टोपी ले रहा हूं, दो साल से कोविड के चक्कर में हम लोग भी थोड़ा कम कम माल ला रहे थे और सब लोग परेशान थे, किसी न हर किसी के कोई ना कोई तकलीफ बनी हुई थी। पर इस साल क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा ध्यान दिया, सब कुछ रहा बहुत अच्छा रहा, हम लोग डिफरेंट आइटम में ही बिलीव करते हैं, पिचकारी और बेग और मास्क और डिफरेंट आपके गुलाल के आइटम। अब तो होली और दिवाली में अंतर नहीं पता पड़ता, होली के पटाखे आने लग गए हैं। यहाँ देखिए दुकानदार मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर बताया कि इन्होंने कुछ मार्केट से अलग अलग आइटम थे उनको मतलब लेके आए हैं अपनी दुकान पे, जिससे लोग है ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, कुछ अलग हो मार्केट में। दुकान वाले भी ये सोचते हैं कि मार्केट में अगर कुछ अलग होगा तो हमें हमारे यहाँ कस्टमर्स भी आएंगे और जो कस्टमर खरीदने वाले हैं उनको अलग जो चीज मिलेगी, जो डिफरेंट चीज मिलेगी
तो वो हमारे यहीं जो सामान है वो खरीदेंगे। आगरा से अपने सहयोगी अशोक के साथ आर्यन न्यूज ममता भारद्वाज। सबसे पहले मैं